आज का विषय है दुर्जन से नहीं बल्कि उनके दुर्गुणों से घृणा करो। संत राबिया किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। अचानक उनकी निगाह एक शब्द पर आकर रुक गई। वह शब्द था दुर्जनों से घृणा करो। वे कुछ देर तक उसी को दोहराती रही, फिर उन्होंने उस पंक्ति को काट दिया। कुछ समय बाद दो संत उनके घर आए। सामने रखे ग्रंथ पर उनकी निगाह पड़ी तो वे उस ग्रंथ को पढ़ने लगे। उन्होंने तब उस कटे हुए शब्द को पढ़ा और संत राबिया से पूछा, इस शब्द को आपने क्यों काट दिया? संत राबिया बोली, इस पंक्ति को मैंने ही काटा है। दोनों संत नाराज होते हुए बोले, धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो गलत नहीं हो सकता, आपने इसमें संशोधन करने की कोशिश क्यों की? राबिया ने कहा, पहले मुझे लगा कि यह ठीक लिखा है, फिर मुझे ऐसा लगा कि दुर्जनों से नहीं उनके दुर्गुणों से घृणा करना ज्यादा बेटर होगा। यह ठीक है, इसीलिए मैंने उस शब्द को काट दिया। हमें भी प्रिय साथियों यही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति विशेष से घृणा न करें बल्कि उनके जो बुरे विचार हैं, बुरे कर्म हैं, उससे घृणा करें। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें। आप कभी भी कोशिश करके देखिए, जो व्यक्ति आपको गाली गलौज कर रहा है, आप उससे एक मिनट के लिए प्यार से बात करके देखिए, तुरंत वो आपसे क्षमा मांग लेगा, उसे एहसास हो जाएगा। प्रेम ही वो चीज है जो घृणा को काट सकती है। मानव के लिए प्रेम के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप आज से सिर्फ प्रेम दिखाएंगे और घृणा उनके कर्मों से करेंगे, व्यक्ति से नहीं, तब देखिएगा जीवन में चमत्कार होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, 24 अप्रैल शनिवार आज का राशिफल प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज देखिए, शाम को 7:17 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज सुबह 6:21 तक पूर्वा फाल्गुनी और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज भी कल की ही तरह ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, अनफा योग, आनंद आदि योग, आज एक नया योग बन रहा है, वह है ध्रुव योग। बुध आदित्य योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग का भी साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। और आज भी केमद्रुम दोष रहेंगे। और आज देखिए, चंद्रमा परिवर्तन करने जा रहे हैं, सुबह 11:55 के बाद कन्या राशि पर रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में, तो वो आज आपको दो बार मिलेंगे। पहला है 2:12:15 से 1:30 तक, ये अभिजीत मुहूर्त है। और दोपहर को 2:30 से 3:30 तक लाभ और अमृत का चौकड़े है। कोशिश करिएगा कि सुबह 9 से 10:30 तक, जब शुभ और मांगलिक कार्य राहु काल में नहीं करना चाहिए तो आपको नहीं ही करना चाहिए। प्रिय साथियों, 6 राशि के राशिफल के बाद घर परिवार और आपके ऊपर अगर कोई बुरी नजर लगी हुई है, आपको लगता है कि जादू टोना टोटका कुछ आपके ऊपर हो रहा है, तो इसका विशेष उपाय मैं बताऊंगा, करिएगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि अक्सर घर में जब कबूतर आ जाते हैं तो उनकी गंदगी से हम बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कबूतर का घोंसला बन गया है तो क्या वो शुभ है या अशुभ, इसका जवाब मैं कार्यक्रम का अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति के लिए आज आपको सोशल मीडिया से और नकारात्मक एनवायरमेंट और लोगों से पहले दूरी बनानी है। किताबों का सहारा लेना है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज जगाने के लिए अपने रिसर्च को आगे बढ़ाइए, तब लाभ मिलेगा। जो लोग ट्रेडिंग का व्यवसाय कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, डेयरी नीड्स का व्यवसाय कर रहे हैं और मेडिसिन का व्यवसाय कर रहे हैं, उनका व्यवसाय तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए आज दिन ठीक ठाक नहीं है। इसलिए लाभ जितना हो रहा है उसी में खुशी मनाइए। जिंदा दिली के इन क्षणों में आगे बढ़ने के लिए आपको आज किसी की जरूरत या सहायता की जरूरत पड़ेगी, वो आपको मिल जाएगी। पर याद रखें, कल्पना और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क होता है। वास्तविकता से दूर नहीं जाएं, कई बार हम फैंटेसाइज हो जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। अपनी कड़ी मेहनत से मिली हुई पहचान से आप संतुष्ट होंगे। वर्क प्लेस पर मनभेद और मतभेद हो सकता है। आपकी गृहस्थी अच्छी रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ समय के लिए सही एकांत में बैठकर भविष्य के लिए योजनाएं जरूर बनाएंगे। आपका ऑनलाइन केयरिंग रवैया आपके लव पार्टनर का दिल जीत लेगा। जीवन साथी और जीवन संगिनी को समय दीजिए, एक अच्छा गिफ्ट दीजिए, घर में आनंद का माहौल बनाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने कर्म को करने में आज बहुत व्यस्त रहेंगे और COVID-19 की बाधाएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत को लेकर सतर्क जरूर रहें। लकी कलर येलो, नंबर 6 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि,
आज अचानक से कोई धन लाभ या पैसे से पैसा कमाना या कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाए, किसी से मदद मांगे वो आ जाए, उसके चांसेस बढ़ रहे हैं। जो लोग मेडिसिन का बिजनेस करते हैं और जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, फ्रीलांसर्स लोग हैं, ऐसे लोग जो हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो जिम चलाए या कोई फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर चलाए, योगा सेंटर चलाए, उन जॉब और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज लाभदायक दिन है। आज बाकी लोगों को नई योजनाएं बनानी चाहिए और पुरानी योजनाओं को क्या हुआ उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। इसी से आपको इनोवेटिव आइडिया मिलेंगे जो लाभ के नए अवसर आपके हाथ में आएंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बड़ी सावधानी पूर्वक करें, कार्य प्रणाली में सुधार होगा। यदि पूरी सफलता पाना चाहते हो तो पूरी मेहनत करिए, निष्ठा से करिए, हर काम को डेडलाइन करके, अपने तौर और तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप सफलता पा सकते हैं। वर्किंग एफिशिएंसी का सुधार करके भविष्य में सुधार लाया जा सकता है। जॉब में आज अच्छा काम और दो लोगों का काम करें या फिर एक्स्ट्रा काम करके आज सुर ताल और लय अच्छा बैठेगा और आपको अपने ऑफिस में कुछ मान और सम्मान भी जरूर मिलेगा। जल्दीबाजी आज बिल्कुल मत करेगा, रिलैक्स होकर काम करें क्योंकि समय पर ही सारे काम पूरे होंगे। जब भी आपको लगेगा आपने गलती कर दी है, जल्दीबाजी में कुछ गलत काम कर दिया है, तो आप शांति से वापस पीछे जाकर ठीक करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से सुर ताल और लय, संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको सुकून देगी। आज आप आने वाले समय में कोई शादी ब्याह फंक्शन में जाना है या नहीं जाना है, इसके लिए उदल पुदल और कंफ्यूजन रहेंगे। सुख के साधन तो प्राप्त होंगे लेकिन नए साधन प्राप्त करने में कर्जा मत लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा बदलाव पा सकते हैं। अब आप अपने नियम कायदे कानून खुद बनाइए। कब तक दूसरों के कानून कायदे से हम चलेंगे? आत्मसम्मान और विश्वास इसी से बढ़ेगा। सेहत अच्छी है लेकिन भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। लकी कलर पर्पल नंबर 4 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, माता जी की सेहत का विशेष ख्याल रखिए। उनके आदर्शों पर चलना, उनके लिए विशेष ऐसा कुछ करना कि मां के चेहरे पर खुशी आ जाए, उसके चांसेस ज्यादा हैं। बिजनेस में अधिक समय देने के बावजूद चाहिए गई सफलता नहीं मिलेगी। नौकरी में काम करते हैं तो अनचाही गलतियां या चाहिए कई बार हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर लेते हैं, उससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आपको नुकसान पहुंच सकता है, ख्याल रखिएगा। एक या दो बार की गलती माफी के काबिल होती है लेकिन बार बार एक ही गलती करेंगे तो आपको मूर्ख ही कहा जाएगा, ऐसी प्रैक्टिस करने से बची। वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच एक बैठे बैठे कोई झगड़ा फसाद, सांस समंदर में जैसे ज्वार भाटा आता है, वैसी आज का रूटीन हो सकता है, थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें। आलस्य त्याग कर स्टूडेंट को अब पढ़ाई में जुट जाना चाहिए क्योंकि कल हो सकता है या ना भी हो, लेकिन अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारा पढ़ाई से विमुख होना तय है, इसलिए पहले से एडवांस और एक्स्ट्रा पढ़ाई करना अच्छा रहता है। कोविड की लहर में अपनी सेहत और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। लकी कलर क्रीम नंबर 1 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, साहस करेज एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आज जोश आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल कर जाएगा। बिजनेस में आत्मविश्वास शानदार रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कुछ लोगों से मदद चाहिए वो मिल जाएगी, कुछ ऐसी चीजें जो आपके आगे बढ़ने का है उसके चांसेस ज्यादा। अभी आप अपने बाहरी रूप को लेकर तो बड़ा ध्यान रखते हैं लेकिन भीतर से क्या आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, आपको जरूर संतुष्टि मिलेगी। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व, आपके काम करने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन या फ्रीलांसर्स लोग या फिर ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और रिसर्च और इनोवेटिव आइडियाज भी जनरेट कर पाएंगे। नौकरी में कुछ ऐसा कर जाएंगे, एक बॉस आज होश हो जाएंगे और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान सुख और संतान से सुख आपका हौसला बढ़ाएंगे। परिवार के साथ भोजन, एंटरटेनमेंट, बातों को शेयर करके आपका दिल और दिमाग तरोताजा हो जाएगा। फ्रेंड्स और अपने कलीग, परिवार के लोग, गली मोहल्ले के लोगों के साथ मेल मुलाकात या सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा समय व्यतीत करवाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने विषय काम से भटकने वाले, इससे बचिए। सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक है। लकी कलर ऑरेंज नंबर 3 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाकर आज आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। यात्राएं सफलता देगी लेकिन छोटी छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, बेवजह की यात्राएं आपको दुख दे सकती है। कोई बड़ा काम करने का मन करेगा तो एकांत में रहकर उसके नुस्खे निकालिए। किसी से काम के बारे में बात मत करिए, राज बिल्कुल मत बताइए, ना ही फ्यूचर की योजनाएं बताइए। बड़ी सोच से व्यक्ति बड़े सपने देखता है और बड़े स्तर पर मेहनत करके उन बड़े सपनों को सच भी कर देता है।
वर्क प्लेस पर सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। आज के इस बुरे दौर में, कोरोना काल में कोविड-19 की सिचुएशन से कई लोग जो दूर दराज में रह रहे हैं, फंस गए हैं, उनकी मदद करना, आसपास ऐसे कोई भूखे लोग रहे हैं या जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ आपको कुछ हमदर्दी जरूर दिखानी चाहिए। कम्युनिकेशन का लेवल आज आपको शानदार करना चाहिए। किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति या यूं कहें अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। आप अपने जीवन की रुचि अब जरूर पता लगाइए। फैशन, पैशन, हॉबीज को पूरा करके हम जिंदगी में उत्साह ला सकते हैं। इसी से ही कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून मिलता है, वरना कई बार टाइम काटते रहते। यह समय आज दोपहर के बाद परिवार को समर्पित कर दीजिए। समय रहते परिवार के साथ समय गुजारना बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका ग्राफ डायग्राम बहुत शानदार आगे बढ़ रहा है और आपके भीतर से जो एंथुजियाज्म और जो एनर्जी लेवल होना चाहिए वो पूरा है। बस उसे सही जगह पर लगाने का कॉन्फिडेंस आप पैदा कर दीजिए। सेहत को लेकर कुछ थकान और अनिद्रा और सर में दर्द परेशान कर सकता है, बहुत ध्यान रखना होगा। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 2 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, मन शांत और कुछ उत्साहित होना जरूरी है। इसके लिए नेगेटिव लोग और एनवायरमेंट से पहले दूरी बनाएं। अच्छी किताबें, अच्छा म्यूजिक, अच्छा एंटरटेनमेंट जहां हो सकता है वहां से उसकी शुरुआत करिए। कॉरपोरेट वर्ल्ड में बिजनेस करने वाले लोग, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग या फिर यूं कहें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले लोगों को आज बड़ा लाभ मिलेगा। और बाकी बिजनेस पर्सन को कम्युनिकेशन शानदार रखना पड़ेगा, अपने ग्राहकों से, अपने कलीग से, अपने एम्प्लॉय से। स्किल्ड लेबर और लेबर के मिलने के चांसेस कमजोर है, उससे थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। नए और पुराने दोस्त या संपर्क जो भी है सोशल मीडिया के द्वारा या साथ में काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बेटर रखिए और बॉन्डिंग को और मजबूत बनाइए। आज की बॉन्डिंग कल के लिए आप शानदार काम करने के लिए मौका देगी। कई बार हम बड़ी जल्दीबाजी कर लेते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। कुछ नया सीखने की ललक आपके भीतर रहेगी और कुछ इनोवेटिव आइडियाज उससे जनरेट होंगे। कार्य क्षेत्र में व्यक्तिगत विवाद से निपटते हुए किसी का भी पक्ष न लें। रोजगार में वृद्धि होगी। शांत रहें और ध्यान करें ताकि सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाए रखा जा सके। अभी सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प खोजिए। कोई एडवेंचर मत करिए कि जबरदस्ती किसी कहने पर पैसा लगा दिया और फिर फंस जाए, नुकसान, धोखा, खर्चा और कर्जा हो जाए, इससे बचिए। पारिवारिक सहयोग आज जरूर प्राप्त होगा। आज कंफ्यूज रहेंगे कि आने वाले शादी और समारोह में जाएं या ना जाएं, क्या करें, संभल कर डिसीजन लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छी नींद लें, योगा, प्राणायाम, फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए और फिर पढ़ाई में जुड़िए, आपको लाभ मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आत्मविश्वास और हमारे योगा प्राणायाम के टॉनिक से हम ना पा सकें, इसलिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए और काम पे जुड़िए। स्वास्थ्य पर धन खर्च होने वाला है। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेंगे। प्रिय साथी, आइए 6 राशि के बाद एक विशेष उपाय की बात करते हैं। घर परिवार को कई बार बुरे लोगों की नजर लग जाती है, आपको नजर लग सकती है, तो इसके लिए क्या करें, आज का विशेष उपाय आपको करना चाहिए। अपनी और अपने घर परिवार की दूसरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए शनि प्रदोष है आज और उस दिन सुबह स्नान आदि कार्यों से पहले तो निवृत्त हो जाए। पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर सफेद पुष्प अर्पित करें। फिर तिल शक्कर मिश्रित एक लोटा जल चढ़ाकर पीपल की परिक्रमा करें। इसके बाद वहीं एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। जाप के बाद काली उड़द की दाल का जो दान जरूर करें। ध्यान रहे इस दाल को घर में न लाएं, घर के बाहर ही लें और घर के बाहर ही दान कर दीजिए। और पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारे ऊपर नजर है, हमारे परिवार या हमारे घर पर किसी बुरी नजर है, उससे हमें छुटकारा मिले। आप देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। बात करते हैं पुनः राशिफल की। तुला राशि से आज नए संपर्क बनेंगे, सोशल मीडिया के द्वारा या किसी और प्रकार से संपर्कों से कुछ जानकारी मिलेगी, उससे आइडिया जनरेट होगा, आइडिया से लाभ जनरेट होगा। इसके लिए तैयार हो जाए। जो लोग श्रृंगार प्रसाधन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सलोन चला रहे हैं, उन लोगों के लिए तकलीफ वाला दिन है। लेकिन जो लोग फिटनेस सेंटर चला रहे हैं, योगा, कुछ ऐसी चीजें जो हेल्थ रिलेटेड है, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी से किसी बात को लेकर ऐसा विवाद हो जाएगा जो कहीं ना कहीं तूल पकड़ लेगा, इससे बचिए। इसके लिए धीरज, धैर्य और संयम का दामन मत छोड़िए। धैर्य वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी आपको उबार सकती है।
बस धैर्य का दामन थामे रखें। नौकरी के लिहाज से दिन आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, इसलिए कलीग से बॉस से बात करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपसे सभी वरिष्ठ जनों की अपेक्षाएं अधिक रहेंगी और संभवतः आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। परिवार में अचानक किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। लव लाइफ में कुछ न कुछ अड़चन दिन में पेश आती रहेगी, इसलिए आप पहले से ही अगर आपको पता है कि यही अड़चन आ सकती है तो उसका तरीके खोज लीजिए, जिससे आप काफी निराश होने से बच जाएं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके अंदर जो परफेक्शन है, जिसकी कमी थी, वो आज आपको मिल जाएगी। लेकिन डेडिकेशन, काम में डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, यही आपको सफल और सिद्ध बनाएगी। माँ और बाऊजी या बड़े बुजुर्गों की सेहत आज नासाज हो सकती है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लकी कलर व्हाइट, नंबर वन शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन हो, खबर खुशी की ऐसी जनरेट होगी कि आपको मजा आ जाएगा। व्यवसाय अच्छा चलेगा। कॉम्पिटिटर्स आपके खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, आज भी वो आपको परेशान करेंगे, तभी तो आप और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए जो लोगों को जो करना है उनको करते रहने दीजिए। आप हाथी की तरह मस्त चाल चलते रहिए, बाकी कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से आपका भविष्य और मजबूत बनेगा। करियर के निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की नई किरण अब जग रही है, जो भविष्य में लाभ और सुख प्रदान जरूर करेगी। आज हो सकता है पूरा लाभ ना मिले काम करके, लेकिन भविष्य जरूर बनेगा। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ असेसमेंट से एकांत में बैठकर जब अपने बारे में सोचोगे तो आपको उपयोगी सलाह खुद से जरूर मिलेगी। नौकरी में कुछ बदलाव संभव है, बॉस से बात की जा सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आईटी फील्ड के लोगों को आज बहुत कुछ नया सीखने और काम मिलेंगे। और स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा खासा मेहनत करने का है, स्मार्ट स्टडी करने का है। मांसपेशियों में खिंचाव, लोअर बैक में तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर ग्रे, नंबर 8 शुभ रहेंगे। धनुराशि, अगर आप किसी के खिलाफ या कोई आपके खिलाफ रणनीति बना रखा है, राजनीति रच रहा है, तो बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा। बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस दूसरों को प्रेरित करेगा। नौकरी में यह समय शांति से काम करने और हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करने का है। वर्क प्लेस पर दिन सुकून से काम करते हुए गुजरेगा। परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना चाहेंगे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनुभवी लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु का ध्यान मानसिक सुकून देगा। रोजगार में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग में जोखिम बिल्कुल ना लें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए हर वर्ग के सफलता के लिए, हर वर्ग में हमें सफलता मिले, इसके लिए आपको अपनी योजनाएं खुद बनानी पड़ी। अपने डे को खुद डिजाइन करिए, फिर देखिए चमत्कार। सफलता प्राप्ति के मार्ग अब आगे बढ़ेंगे। ये सफलता प्राप्ति आपको उच्च आत्मविश्वास देगी और यही जड़ी बूटी बनेगी। सिर दर्द और गले में तकलीफ परेशान कर सकती है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लकी कलर गोल्डन, नंबर 2 शुभ रहेंगे। मकर राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, रुचि बढ़ेगी। और याद रखिएगा, आज रुचि का भी पता लगाइए। फैशन, पैशन, हॉबीज को अपनाकर निश्चित रूप से आज दिन को और बेटर कर पाएंगे। आज यात्राएं तो लाभ देगी, लेकिन छोटी और अकेले में यात्रा ज्यादा लाभ देगी। अगर आपने किसी से पैसा मांगा है उधार, वो मिल सकता है। लोन से संबंधित समस्याएं आपकी कम होगी, लेकिन कोई गलती आपने कर रखी है तो वो अनुभवी लोगों से सीखकर उस गलती को ठीक करने का प्रयास जरूर करें और अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को आज इस्तेमाल करिए। जीवन में दूसरों में दोष देखने से कुछ फायदा नहीं है। अपने दोष देखें, दूसरों के अनुभवों से सीखें, तभी आपका भला होगा। हमेशा कई बार हम लोग दूसरों के थाली में भी घी ज्यादा नजर आता है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आत्मसात करें। सेल्फ असेसमेंट से आप अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं, अवगुणों को दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स बुजुर्गों का मार्गदर्शन करेंगे और बुजुर्ग जो गलतियां कर रहे हैं कोविड-19 में, वो बच्चे आज उन्हें सुधार देंगे। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक मरीज और जिन लोगों को हार्ट में पल्पिटेशन ज्यादा रहता है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बेवजह की यात्राएं करना, बिना वजह लोगों से मिलना कोई काम का नहीं है। लकी कलर ग्रीन, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, कुछ अनसुलझे मामले जो आज सुलझ जाएंगे। बिजनेस में आपके किसी पुराने सरकारी विवाद, पुलिस या लीगल कॉम्प्लिकेशन कोई चल रहा है, तो उसमें आपको लाभ मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वर्क प्लेस पर आपका काम सामान्य से भी कम गति से आगे बढ़ेगा, इसलिए बेटर यह रहेगा कि आप एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाएं। नौकरी पेशा लोग अच्छी संगत और तार्किक रूप से एक अच्छा डिस्कशन करके लाभ कमाएंगे, वरना हाथ से बाजी निकल जाएगी। परिवार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य में आपको आज डिसीजन को नहीं टालना चाहिए, वरना भविष्य में कोई जटिल समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए आज ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिल सकता है निर्णय लेने में। मैरिटल लाइफ और लव लाइफ में किसी बेकार की बात से आपके प्यार, इश्क और मोहब्बत और रोमांच में एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इससे बचिए।
स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लेकर आएगी। बस इस विश्वास को आप बनाए रखें और कड़ी मेहनत करते हुए स्मार्ट वर्क भी करें, और इसका कोई विकल्प भी नहीं। किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं, पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, बी अलर्ट। लकी कलर पिंक, नंबर 7 शुभ रहेंगे। मीन राशि, शादीशुदा है तो पति पत्नी, नहीं है तो लव पार्टनर, वो भी नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, कुछ स्पेशल करिए। कानूनी अड़चन दूर होने से आपका व्यवसाय ठीक चलेगा। वर्क प्लेस पर विरोधी को आप जीतने की कोशिश न करें, बल्कि उनके विरोध पर जीत हासिल करने की कोशिश करें। विरोधी को भी पता ना चले कि उसका दिल आपने जीत लिया, बस यही जीत आपकी सच्ची जीत होगी। अपने कौशल को और चमकाने का काम करें, यानी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेटर करिए। लव लाइफ और रिलेशनशिप में सुख आपका इंतजार कर रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताएंगे और एक अच्छा गिफ्ट का आदान प्रदान भी होगा। किसी अपने का व्यवहार हृदय को चोट पहुंचा सकता है, ध्यान रखिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपने कर्मों में इतना बढ़िया एफर्ट लगाइए कि शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट छूमंतर हो जाए। लकी कलर ब्राउन, नंबर 3 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कार्यक्रम के अंत में एक विशेष बात करते हैं। घर के अगर आपके आंगन में या कहीं पर भी कबूतर ने घोंसला बना लिया तो वो शुभ है या अशुभ है? अक्सर हम कबूतर की गंदगी से बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए तरह तरह के जतन करते हैं। अगर कबूतर आपके घर में कहीं पर भी घोंसला बना चुका है तो समझ लें आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाला है। अगर कबूतर ने बच्चे दे दिए हैं तो आपके घर में भी वंश बढ़ेगा, यहां तक कि यह आपके घर में सुख शांति लाने का भी संकेत देता है। इसीलिए अगर आपके आसपास कबूतर रहते हैं तो हर रोज उन्हें दाना और पानी देने का काम करें। बताते चलें कि इससे आपको न केवल उनकी दुआएं मिलेगी, बल्कि आपके घर की समृद्धि भी हमेशा बनी रहेगी। तो आपका बुरा भाग्य, बुरी जो जिंदगी में कुछ तकलीफ आने वाली है, वो सौभाग्य में तब्दील हो जाएगी। अब एक सवाल के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूं। क्यों हिंदू धर्म में माना जाता है 108 अंक को बहुत महत्वपूर्ण? आप इस पर रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम का अंत में दूंगा। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर दिन को गुजारिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं आज और कल सैटरडे संडे को हाजिर हूँ। आपने अपॉइंटमेंट लिया तो बहुत अच्छा, नहीं लिया और लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।